हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ 2019 का अंडर में 323 वैकेंसीज यहाँ आई हुई हैं फ्रेंड्स। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के लिए आप लोग की वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे 323 पोस्ट के लिए यहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं। यहाँ पे किसी भी डिग्री के स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका कोई फ्रेशर मांगा गया है, किसी भी फील्ड के लोग यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, सिविल या मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के लोग आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट फ्रेंड्स आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और 20 मई तक लास्ट डेट है इसकी, इस फॉर्म को फिल करने की। डिटेल एलिजिबिलिटी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाई द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ इंडिया, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आगे मैं आपको यहाँ इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का हाइट यहाँ पे मेल के लिए फ्रेंड्स 165 सेंटीमीटर रहेगा और वुमेन के लिए आप लोग का 157 सेंटीमीटर रहेगा फ्रेंड्स। चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर द वुमेन्स। एंड वेट आप लोग का मेन के लिए 50 केजी रहेगा और 46 केजी वुमेन्स के लिए रहेगा फ्रेंड्स। एज लिमिट आप लोग के 20 से 25 ईयर्स के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फ्रेंड्स इसमें बता देते हैं फ्रेंड्स कि बीएसएफ के लिए 100 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ के 108 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, और सीआईएसएफ में 28 पोस्ट हैं, और इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए यहाँ 21 पोस्ट है आईटीबीपी के लिए, और सशस्त्र सीमा बल के लिए एसएसबी की 66 पोस्ट हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, और इसका फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोग का यहाँ को रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आप लोग का। देन उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग का इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद मेरिट लिस्ट, आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप लोग का इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स इस टेस्ट में आप लोग का एग्जाम में क्या क्या रहेगा। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस आपका 250 मार्क्स का आएगा, जनरल स्टडीज़ और एससी और कॉम्प्रिहेंशन आपका 200 मार्क्स का आएगा, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ओवरऑल 600 मार्क्स का आप लोग का पेपर रहेगा ये फ्रेंड्स। एंड एप्लीकेशन फीस आपकी इस फॉर्म की है फ्रेंड्स 200 रुपीज़, नो फी फॉर एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, एंड देन मोड ऑफ पेमेंट आप लोग के यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों है, आप लोग दोनों मोड में आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। आप लोग बस इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, 24 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 20 मई तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा आप लोग के लिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।